आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। जीएस पेपर टू भैया पॉलिटी का कोर्स लिया कि नहीं? एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का कोर्स लाइव है, फटाक से कोर्सेज को अवेल कर लो इससे पहले बहुत ज्यादा देर हो जाए। तो जीएस पेपर टू पे ये इंपॉर्टेंट है, या निश्चित ही इस पे सवाल आने हैं। 22nd लॉ कमीशन को कंस्टिट्यूट किया गया है। हम एक एक चीज समझाऊंगा, हम तो बंगाली हो गए, हम ही एक एक चीज समझाऊंगा, ओ माय गॉड। ठीक है, चलो लॉ कमीशन की बात करते हैं। तो सेंटर ऑन मंडे 7 नवंबर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, कौन कौन है इसमें? ऋतुराज अवस्थी, फॉर्मर चीफ जस्टिस कर्नाटक। एक एक सेंटेंस में पढ़ता हूं और इससे आपको पूरा संविधान और पूरा कानून में समझाता चलूंगा। तो इसमें कौन है ध्यान दीजिएगा? ऋतुराज अवस्थी। हमारे लॉ मिनिस्टर कौन है? किरण रिजिजू। अब 5 मेंबर और हैं। लॉ कमीशन एक 5 मेंबर बॉडी होती है जिसको जो हेड करता है वो हमेशा एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। या एक और चीज, ज्योग्राफी का कोर्स तुमने लिया कि नहीं बेटा? क्लास हो गई है, एक दो हो गई है, दो अभी बाकी हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल जाएगा, ये इतना शानदार कोर्स, आपके होश उड़ जाएंगे आप एकदम, ये क्या हो रहा है, ऐसा कोर्स है इंडियन ज्योग्राफी टिप पे, मात्र 300 रुपये का कोर्स है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, उन्होंने जो अभी हिजाब पे फैसला आया ना कर्नाटक में, हिजाब, भाई देखो सुप्रीम कोर्ट ने तो स्प्लिट वर्डिक्ट दिया, सुप्रीम कोर्ट का स्प्लिट वर्डिक्ट आया, लेकिन इससे पहले जब कर्नाटक हाई कोर्ट में ये फैसला गया था तो उन्होंने सीधा ये बोला, स्टेट का फेवर लिया कि हिजाब जो है वो मतलब शिक्षा के आगे नहीं आड़े आना चाहिए। तो उसमें जस्टिस अवस्थी ने ये डिसीजन दिया था। ठीक है, टीके संकरण की बात करें, ये केरल हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। 2009 में जो लव जिहाद का मैटर हुआ था उस पे इनका रोल था। बाकी लॉ कमीशन में लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है, तो टोटल 5 मेंबर की बॉडी होती है। टेन्योर इनका एज सच फिक्स नहीं होता है, लेकिन एज सच 3 साल का ही होता है। देखिए फिक्स क्यों नहीं होता है, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। अब मैं आपको एक एक चीज, चलिए ठीक है, लॉ कमीशन देखिए ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब्स द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एज ए नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। अब इसका मतलब क्या है माई लॉर्ड? देखो बेटा, हमारा संविधान है, वही मैं बोल रहा था, हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज लिखी गई है तो वो पत्थर की लकीर, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 से लेकर 326, ठीक है, यूपीएससी आर्टिकल 312 से लेकर 324, है ना, ऐसे ही कमीशन फॉर एससी एसटी, कमीशन फॉर ओबीसी, ये सब हमारे संविधान में लिखा गया है। अब जो चीज संविधान में वो तो है, अगर नहीं है तो उसको लॉ बना के, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कोई लॉ, कोई कानून बना के ऐसी बॉडी हम क्रिएट करते हैं। मान लीजिए अगर ये भी नहीं है तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि लॉ कमीशन के लिए सच हमने कोई कानून नहीं बनाया है, नीति आयोग के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से पास की हुई बॉडी है, तो ऐसी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, ये प्राइवेट भी हो सकती है, जो दैट इज दे आर नॉट रेगुलेटेड बाई एनी लॉ। ठीक है, Rather work as private body. अब private body ये नहीं कि सरकार के अंदर नहीं, सरकार के अंदर बिल्कुल आती है ये। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, वेरी गुड। स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब, स्टैट्यूटरी मतलब सिंपल, रेगुलेटेड बाय लॉ, नॉन स्टैट्यूटरी नॉट रेगुलेटेड बाय लॉ, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन बाय द नोटिफिकेशन। तो ये एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाया गया है, नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद डेफिनेट टर्म्स ऑफ रेफरेंस। देखिए इससे पहले जो लॉ कमीशन था वो 2015 से लेकर 2018 तक था, ठीक है, 21st लॉ कमीशन। अब उसने क्रिकेट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए काफी कानून दिए, सबसे जो बहुत ही 262nd रिपोर्ट जो आई थी, मैग्नम ओपस जो मानी जाती है, ठीक है, 277 रिपोर्ट्स पब्लिश, बहुत अलग अलग, हर लॉ पे एक रिपोर्ट आती है ना, ठीक है, तो इसीलिए आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स मिलेगी। तो अब इसमें क्या है कि इसमें यह बताया गया था कि डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दो, ये बहुत बड़ा था ये। अब आप बोलेंगे सर खत्म तो ही नहीं, तो बेटा ये कमीशन है, किसी की कमीशन का मतलब क्या होता है, खाली वो मुझे एडवाइस करेगी, ये सरकार को एडवाइस करते कि इस कानून में चेंज कर दीजिए, ये कानून आप बदल दीजिए, इस कानून को ले आइए। तो अब इससे होता क्या है कि सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि सरकार इसको माने कि ना माने, अगर सरकार ने मान लिया तो वेल एंड गुड है। जैसे मैंने बताया कि इन्होंने 1999 की में जब ये कमीशन बैठा था तो उसने ये बताया था कि लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन साइमल्टेनियस होने चाहिए, है ना, इससे गवर्नेंस और स्टेबिलिटी दोनों ही बहुत बेहतर होंगे। 262nd रिपोर्ट ने बताया था कि डेथ पेनाल्टी को खत्म कर दो, टेररिज्म रिलेटेड केस जो है वो अलग है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन अभी 2022 में जो नया भी लॉ आया है ना, ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने यही बताया था कि सीआरपीसी बहुत पुराना चल रहा है तो इसको आप थोड़ा सा बदलिए। तो अभी तक इन्होंने 277 रिपोर्ट जो है वो पब्लिश किए। आप देखिए
द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स एक्सीलेंट थॉट प्रोवोकिंग एंड वाइटल रिव्यू ऑफ द लॉज। तो जितने भी कानून हैं जिनको चेंज की जरूरत है, जिनमें बदलाव की जरूरत है, वो लॉ कमीशन करती है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 2018 में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, 2018 लॉ कमीशन का पूरा हो गया। इसके बाद 2020 में इसको बनना था, लेकिन फिर आ गया कोविड, कोविड के चक्कर में इसको 2 साल डिले, लेकिन अभी तक लॉ कमीशन बनी ही नहीं। तो अब इसके खिलाफ पिटीशन भी डाली गई थी कि इतना डिले क्यों है, ये जो डिले हो रहा है इतना क्यों है। फाइनली सरकार ने इसका संज्ञान लिया और अभी 22nd लॉ कमीशन जो है वो बनाई गई है, अभी अगले 3 साल के लिए काम करेगी, क्या क्या कानून में बदलाव होने चाहिए ये सारी चीजें बताएगी। अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड ये भी बताया था इन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए रिकमेंड 277 रिपोर्ट्स हैं, तो इतनी लगभग हर क्षेत्र को इन्होंने छुआ है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए भी बोला था कि ये सब में लेके आओ। चलिए मेरा एक सवाल है, अभी रिसेंटली कौन सा राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आने वाला है, इसमें मैंने लेक्चर लिया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ये चीज है। फिर उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपको पता ही आर्टिकल 36 से लेकर 51 फंडामेंटल राइट्स के बाद ही शुरू होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नॉट जस्टिसिएबल इन कोर्ट। कल को अगर कोई राज्य डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसी प्रावधान को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि हालांकि वैसे तो सब लॉ के फॉर्म में आ ही गए हैं, जितने भी इनके प्रावधान हैं वो लॉ के फॉर्म में आजकल काम कर ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और क्या बचा लॉ कमीशन के, हाँ पहली लॉ कमीशन कब बैठी थी, 1834 मैकॉले कमीशन, लॉर्ड मैकॉले आए जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया, भारत के एजुकेशन सिस्टम को बदल के रख दिया और बोला कि तुम्हारा कोई सिस्टम है, ये जो एंशियंट स्टडी तुम करवा रहे हो ना सब बकवास है, वेस्टर्न एजुकेशन को लेके आओ, तब ये लॉ कमीशन जो है वो बनाई गई थी। तो ये एक लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस आएंगी तो उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, क्योंकि इनकी रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ज्योग्राफी हमारा शानदार ज्योग्राफी का कोर्स है, आप इसको जरूर अवेल करें। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।